नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश, शहर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। लोगों को मिली गर्मी से राहत। आपको कल सुबह भी याद होगा, लगातार 4 घंटे तक बारिश होती रही। 88 साल का रिकॉर्ड कल भी टूटा और अब एक बार फिर से बारिश हो रही है। गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन एक बार फिर से लोगों को जाम का सामना जो है वो सड़कों पर करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से झमाझम बारिश और दिल्ली के लोग गर्मी से राहत पाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो मानसून की शुरुआत हो गई है। कल मानसून की पहली बारिश, जिसमें हमने देखा कई जगह ऐसी थी दिल्ली की जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। कई जगहों पर घंटों लोग सुबह सुबह फंसे रहे, 4 से 5 घंटे जब वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, रात के वक्त जब घर जा रहे थे तब भी इसी तरह की स्थितियां रहीं। और अब दिल्ली से शुभ राणा की इस पर एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का सितम जो है वो शुरू हो गया है। मानसून का दिन दूसरा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद है और भारी बारिश जो है, मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि इससे लोगों को ट्रैफिक में भी, जैसे जैसे बारिश और आगे होगी, लोगों को ट्रैफिक में भी समस्या हो सकती है। बसेस यहां खड़ी हैं क्योंकि देखिए इतनी बारिश में ट्रैफिक की आवाजाही पर जो है फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए हाई स्पीड से जो व्हीकल्स चलते हैं वो उस तरीके से नहीं चल पाते, जिसके कारण तमाम दिल्ली के जगहों पर जाम मिलता है। फिर चाहे बात आईटीओ ब्रिज की हो, कश्मीरी गेट की हो, राजीव चौक की हो, तमाम जगहों पर जाम मिलता है। साथ ही साथ बारिश से जलभराव की स्थिति भी पैदा होती है। और देखिए इस वक्त आप आईटीओ की तस्वीरें देख रहे हैं, बारिश हो रही है। जो गाड़ियाँ हैं वो जब गाड़ियों के टायर सड़क से होके गुजर रहे हैं तो पूरी तरीके से पानी के फुहारे लग रहे हैं। और अभी बारिश को महज शुरू हुए 5 से 10 मिनट हुए हैं और ऐसे में बारिश की सिचुएशन आप देख रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे बारिश होगी, क्योंकि लिहाजा IMD की तरफ से ये बात साफ कही गई है कि ये जो बारिश है कम से कम जून 30 तक मूसलाधार बारिश होगी और आने वाला एक हफ्ता जो है जुलाई का वो उसमें भी बारिश होगी। और देखिए बारिश के एक्शन प्लान को लेकर भी सरकार पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिन दूसरा है और स्थिति दिल्ली की दयनीय है। मैं शुभ, कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ इंडिया न्यूज दिल्ली। देखिए शुभ राणा की रिपोर्ट आपने देखी और उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि मौसम विभाग की तरफ से ये साफ किया गया है कि 30 जून तक इसी तरह से बारिश जो है वो दिल्ली में होगी। बारिश को लेकर 3 दिन का अलर्ट था, जुलाई के पहले एक वीक में भी बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया। लेकिन इन सब के बीच इस मानसून की शुरुआत के साथ दिल्ली का प्रशासन कितना तैयार है ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कल जब मानसून की पहली बारिश हुई तो आपने देखा किस तरह से जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत जो है वो गिर गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। और इस तरह की स्थितियां जो है, पानी भरने की जो स्थितियां हैं वो दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिली। जावेद हुसैन इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, क्या जानकारी है, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था 30 जून तक झमाझम बारिश, आज भी बारिश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि दिल्ली का प्रशासन कितना मानसून के लिए तैयार है? देखिए ये हर साल ऐसा होता है कि जब तेज़ बारिश होती है, देख जैसे कि कल ही देख लीजिए कि हर साल यही चीज़ें रिपीट की जाती है। 2, 3, 4 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली बिल्कुल बाढ़ की स्थिति में आ जाता है और पूरी तरीके से ट्रैफिक, यानी यूँ कहिए कि दिल्ली NCR ठप हो जाता है। जो जहाँ है वो वहीं रुक जाता है, कोई ड्रेनिंग सिस्टम नहीं, किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं, सिर्फ राजनीति और सिर्फ राजनीति होती है और एक दूसरे पर सिर्फ जो है वो ठिकरा फोड़ा जाता है। अभी इस वक्त जो है, हालांकि मौसम विभाग ने साफ ये अलर्ट जारी किया है कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली और NCR में मूसलाधार बारिश होगी, यानी कि तेज़ बारिश होगी। इस वक्त देखिए कि मौसम जो है, हालांकि बादल घिरा हुआ है लेकिन इस वक्त बारिश नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त मैं नई दिल्ली एरिया में हूं और यहां पर देखिए कि बारिश तो हुई है लेकिन हल्की हल्की जो वाटर लॉगिंग, कहीं कहीं पे रोड के बराबर लेवल ना होने की वजह से पानी यहां पे जमा हुआ है। लेकिन अगर हम दिल्ली के मेन सड़कों की बात करें तो दिल्ली के सड़कों पे ड्रेनिंग सिस्टम ना होने की वजह से कई जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है। मिंटो रोड का अगर एग्जांपल लें, या जखीरा पुल का एग्जांपल लें, या फिर आज़ादपुर अंडरपास का हम एग्जांपल लें, कल भी
भी आपने तस्वीर देखा होगा कि लगातार तेज बारिश के बाद से वहां पर वाटर लॉगिंग, जो एक वाटर लॉगिंग ही कहेंगे कि वहां पर पूरा जल भराव हो गया, और वहां तक वहां पर जो बस से लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए फायर के लोग वहां पर आए, एनडीआरएफ की टीम आई, उसके बाद अलग अलग जगह से लोगों को रेस्क्यू कराया गया। देखिए बारिश का महीना और बारिश के आने के से पहले ही पूरी तैयारी होती है, लगातार दावे किया जाता है कि हम बारिश कर रहे हैं। अब 1 जुलाई से स्कूल खुलने का समय हो रहा है, और ऐसे में जब मौसम का आप हाल देख रहे हैं, दिल्ली का हाल देख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगे कि अगर तेज़ बारिश होती है और इस तरीके से जब बच्चे जब स्कूल से घर की तरफ आ रहे हों, या फिर सुबह के वक्त अगर ऐसी बारिश हो, तो फिर छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं अपने दफ्तर के लिए, वो दो दो तीन तीन घंटे लेट पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक पूरी तरीके से रुक गई है। दिल्ली एनसीआर का जो तमाम बॉर्डर इलाका है, वाटर लॉगिंग बारिश की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गई है। तो जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम फेलियर है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो दिल्ली के लोगों को भी समझना होगा। लेकिन इन सब में एक बात ये है कि जहां लोग बारिश गर्मी से बेहद परेशान हो रहे हैं, वैसे मौसम के बदले तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है जावेद, क्योंकि सिस्टम के फेलियर होने की वजह से जनता को परेशानी होगी। कल हमने देखा कैसे तीन तीन चार चार घंटे लोग सड़कों पर बने रहे, जाम में फंसे रहे, ऑफिस देर से पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए सिस्टम और जिम्मेदारी उन्हीं की है जो इस वक्त जावेद अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए सिस्टम और फेलियर की बात अगर जो आप कह रही हैं, तो सिस्टम और फेलियर उन्हीं की जिम्मेदारी है जो इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी का बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनता है कि बारिश के मौसम से पहले वो तमाम उन जगहों को पूरी तरीके से उनके इंस्पेक्टर्स या जो उनका डिपार्टमेंट है, जो ऑफिसर्स अधिकारी, उनको ग्राउंड पर जाकर एग्जामिन करना चाहिए था, क्योंकि बार बार वही ड्रेन सिस्टम, उसी जगह से वाटर लॉगिंग जहाँ पर हर साल देखने को मिलता है। और सिर्फ जवाब ये आता है कि चीज़ों को सही की जा रही है या सिस्टम सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिस्टम कुछ सही नहीं होता। जखीरा पुल पे उसी तरीके से वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है, मिंटो रोड पे उसी तरीके से वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है। पिछले साल तो आपने भी देखा होगा स्थितियां ये हो गई थी कि सड़कों पर हम बोट चलते हुए देख रहे थे, और उसी से लोग अपना सामान जो है वो घर से बाहर निकाल रहे थे। इस बार कम से कम उस तरह की स्थितियां ना हो, इसे प्रशासन को सुनिश्चित करने की जरूरत है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, पहले से तैयारी रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जावेद।